सागर पहुंचने से पहले हमें ये भव्य शिव मूर्ति दिखाई दी और हम यहाँ पे रुक गए हैं। यहाँ से सागर बोर्ड के हिसाब से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी प्रसिद्ध शिवधाम है ये और इस जगह का नाम है शिव शक्ति धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रसाद वगैरह नारियल वगैरह इस मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और मंदिर खुलने का समय भी यहाँ पे लिखा गया है, आरती कब होती है। विशेष गुफा का दर्शन शाम 5 बजे के आसपास होता है, 5 बजे से 8 बजे तक, और लगभग 5 बजे हैं, हम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चल के देखते हैं क्या है मंदिर के अंदर। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर में। कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद दर्शन होते थे और सर्कल बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ये सब चीज़ें, ये सर्कल बनाए गए हैं। मनोहर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो शंकर भगवान की विशाल प्रतिमा बनाई गई है उसकी झलक आपको देखने को मिल रही होगी। बेहद सौम्य वातावरण है, भक्तिमय अंदर से महसूस हो रहा है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं विशाल प्रतिमा भगवान भोलेनाथ की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मन को मोह लेने वाली प्रतिमा है और ये प्रतिमा बेहद खूबसूरत है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की आंखें बनाई गई हैं, होंठ बनाए गए हैं, नाक बनाई गई है, कान, हर चीज अद्भुत है, बेहद खूबसूरत है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसलिए मैं थोड़ा बातें कर रहा हूं ताकि कॉपीराइट ना लग जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे गानों में, भक्ति वाले गानों में कॉपीराइट लग जाता है। हमने राम यात्रा की एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई थी जिसमें कॉपीराइट लग गया था। इतनी अच्छी वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हमारी, फिर भी उसमें यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट मार दिया था। पता नहीं भगवान में भी कॉपीराइट कब से आने लगा, इसलिए विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं चारों तरफ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये नंदीश्वर हैं, यहाँ पे विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रांगण है। अब हम गुफा के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गणपति बप्पा भी विराजमान हैं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होने वाले हैं। तो बोलो ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यहाँ पर सौराष्ट्र के सोमनाथ महादेव के दर्शन आप कर पा रहे हैं, जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित महादेव है। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं सोमनाथम, दूसरी प्रतिमा की तरफ पे बढ़ते हैं। तो ये स्वयं मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के महादेव हैं और जो ये प्रतिमा देख पा रहे हैं, तो शैल मल्लिकार्जुन, शैले मल्लिकार्जुनम आंध्र प्रदेश के भगवान शिव, जो 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थापित हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तत्पश्चात महाकालेश्वर उज्जैन के आप दर्शन कर पाएंगे। ये महाकालेश्वर उज्जैन महादेव जी की प्रतिमा है। और ऐसे ही जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे
तो क्रमशः जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करते हैं। महाकालेश्वर महादेव के पश्चात श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर जो मध्य प्रदेश के महादेव ज्योतिर्लिंग है, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, तो ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव के दर्शन आप कर पाते हैं। उसके कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैजनाथ परम धाम के जो है तो हम दर्शन यहाँ पर कर पाते हैं। बैजनाथम परमल्यम देवगढ़ झारखंड महादेव जो है उनके दर्शन हम कर पाते हैं। तत्पश्चात हम पूरे महाराष्ट्र में स्थापित महादेव ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकरम के यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं। और इसके पश्चात फिर जो अगला ज्योतिर्लिंग आता है तो वो कश्मीर के श्री अमरनाथ महादेव के दर्शन कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बर्फ से बने हुए महादेव हैं और जैसा कि अमरनाथ यात्रा में हजारों भक्त जाते हैं, यहाँ पर भी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। तत्पश्चात तमिलनाडु में स्थित श्री रामेश्वरम के दर्शन, रामेश्वरम महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं। इन रामेश्वरम महादेव के बारे में एक चीज बतानी जरूरी है कि जब भगवान प्रभु श्री राम लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो जो उन्होंने समुद्र तट पर रामेश्वर तट की स्थापना की थी, जो महादेव की स्थापना की थी पूजा आराधना के लिए, तो रामेश्वरम ही मंदिर था। रामेश्वरम के महादेव वो वहां के रेत से बनाए गए, वहां के रेत से बनाए गए थे। उसके पश्चात फिर से गुजरात के नागेश्वरम महादेव के आप दर्शन कर पाते हैं इस मंदिर में। और काले संगमरमरी पत्थरों से निर्मित ये प्रतिमा है जो अत्यंत ही आकर्षक, अत्यंत ही आध्यात्मिक है। तत्पश्चात जो अगले महादेव के दर्शन आप इस विशेष गुफा में कर पाते हो, भगवान विश्वनाथ वाराणसी महादेव के दर्शन कर पाते हैं। और इसके पश्चात श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराज के दर्शन कर पाते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन महादेव होते हैं और ये त्र्यंबकेश्वर इसीलिए कहे जाते हैं। जो पूरा हमारा भारत है, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक में भी 12 के पश्चात महाकुंभ का आयोजन होता है और वहीं के ये त्र्यंबकेश्वर महादेव। तत्पश्चात उत्तराचल उत्तराखंड के केदारेश्वर केदारनाथ धाम के महादेव के आप यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और इसके पश्चात जब हम एक तरीके से निकास द्वार के सम्मुख पहुंचते हैं तो वहां पर श्री घृणेश्वर महाराष्ट्र के महादेव स्थित हैं। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद एक बार हम फिर से वापस की तरफ चलते हैं क्योंकि मध्य में भी कुछ प्रतिमाएं, कुछ महादेव स्थापित हैं। आइए वहां पर मध्य में आपको ले चलते हैं और वहां पर महादेव के दर्शन आपको कराते हैं। यही सागर से ही हैं आप? जी हाँ। कैसा लगता है इस जगह में आके? बहुत बढ़िया। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? फिर मंदिर को निर्माण के विषय में तो ज्यादा मालूम नहीं है क्योंकि हम बाहर के हैं लेकिन रहते हैं सागर। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कितनी बार आते हैं यहाँ पे? महीने में एक दो बार आ जाते हैं। अच्छा अच्छा लगता है यहाँ आके? बहुत बढ़िया सर। इसके पश्चात ये मध्य गर्भगृह कह सकते हैं, जो ये विशाल भूभाग है, जो विशाल गुफा है, उस गुफा के मध्य गर्भगृह में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं। सम्मुख में नंदी बाबा हैं और उसके बाद महादेव हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं, माता पार्वती और प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। बेलपत्र, धतूरा और जो चीजें
मंदिर में अर्पित की गई है। ऊपर भी कुछ है ऊपर कुछ नहीं है ना, चलिए बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं और इसी के साथ हम बाहर के भी कुछ दृश्यों को अवगत कराएंगे। यहाँ पर भी कुछ मूर्ति बनी हुई है, ये शायद गणेश भगवान है, गणेश भगवान है और ये गंगा माँ की मूर्ति है, चंद्रमा है और गंगा मैया है और इधर फिर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। और एक और विशेष चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि इस गुफा के अंदर एसी लगी हुई है, चतुर दिशा में सूर्य देव स्थापित है यहाँ पर और इसके शीर्ष स्थल पर ये एक कलश नुमा संरचना यहाँ पर स्थापित है। ये सूर्यदेव तो सूर्यदेव महादेव गंगा जी और गणेश जी और ऊपर इसका कलश। क्या महत्व तो है ये हमें पता नहीं है और यहाँ पे पुजारी भी नहीं है जिनसे हम ये चीज़ समझ सकते कि इस चीज़ का क्या महत्व है, इस मूर्ति का क्या महत्व है। और देख सकते हैं इस साइड में भी एक एसी लगी हुई है, काबिले तारीफ है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद अच्छा कदम है, बेहतरीन लाइटिंग की गई है, यहाँ भी एसी लगी हुई है। ओम नमः शिवाय। निकास द्वार की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। मौसम सुहाना हो रखा है, गांव में आप धर्मशालाओं को देख सकते हैं, किसान धर्मशालाएं निर्मित की गई हैं। पीछे कैलाश पर्वत बनाया गया है और उसमें कोई बिजली ना गिरे इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है, खड़ित चालक यंत्र का भी उपयोग किया गया है। यहाँ ये दोनों दिशाओं में आप विशाल धर्मशालाएं देख सकते हैं, यहीं से आरती। कैसे पता कि ये धर्मशाला है? क्योंकि ये खुले हुए स्थान है तो ये धर्मशालाएं ही नहीं, वो तो खड़े होने के लिए जगह है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करते हैं इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर कब बना, कैसे बना, किसने बनवाया। आप लोग यहीं के हैं? मंदिर में हमेशा आते हैं? अच्छा, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? अब ये जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जानकारी नहीं है आपको? है अच्छा, ये माता राम है मंदिर में काम करे तो पूरी जानकारी है। अच्छा, तो फिर हम उन्हीं से उनके पास जाके बात करते हैं। यहाँ पर माता जी हैं जो इस मंदिर। अब हम माता जी से बात करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो माता जी, ये मंदिर कब निर्मित हुआ, मतलब कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। किसने बनवाया था? दिल्ली के सेठ है। दिल्ली के सेठ जी। तो क्या कहानी है इसके पीछे की, कोई कहानी है? जो कहानी की बेटा देव उनकी भी पता है, पंडित से कहा। अच्छा, पंडित जी। पंडित जी कहाँ मिलेंगे? गेट पर मिले। अच्छा, गेट पर मिलेंगे। तो आप कब से यहाँ आती हैं? 12 साल हैं। आप यहीं बैठती हैं? यहीं खाना पीना सब यहीं होता है? अपने घर। अच्छा, घर में जाती हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ? हमें तो अच्छा लगता है बेटा, हम तो अकेले बैठे जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, हमें घर अच्छा नहीं लगा तब, इसी अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपका घर यही हो गया? यहाँ बैठ के काम। यहीं पर, यहीं पर आपका कैलाश है, महादेव के चरणों में ही आपका जीवन है। अच्छा, महादेव के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा कब से हुई? 12 साल हो गई हमें। है? स्वयं इन हाथों ने काम करा इनको। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा। आपको देखकर, आपसे मिलकर हम भी धन्य हो गए, आपने काफी सेवा की है। इनके चरणों में 12 साल की एक कड़ी तपस्या कर ली है, ऐसा हम कह सकते हैं। 12 साल हो गए बेटा। और आपके जो चेहरे में तेज है वो एक शिव भक्त में ही देखने को मिलेंगे। सबके भाग से क्या बेटा? सब उनके आशीर्वाद से है, है ना? कितनी उम्र हो गई है? हमारी 81 है।
180 मतलब 79 साल की, लेकिन जो आपके चेहरे की चमक है वो आज भी बेजाने भूले ना, और अभी भी लोगों को प्रेरित करती है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और एक एनर्जी एक ऊर्जा मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दादी के अनुसार ये मंदिर 12 साल पहले एक दिल्ली के एक सेठ द्वारा बनवाया गया था, जो काबिले तारीफ है, और हम कोशिश करेंगे इस मंदिर के इतिहास और इसके बनने के पीछे की जो वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे। पीछे भी कैलाश है और ऊपर भी कैलाश है। मौसम सुहाना है, यही रास्ता है वापस नहीं, ये यहाँ से भी जा सकते हैं। ये पीपल का विशाल पीपल का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है, और वहाँ भी वासुदेव जी की पूजा होती है, शायद शंकर भगवान का शिवलिंग भी है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब अगर हम कैमरे से दिखाना चाहें तो वो चीज़ें वो फीलिंग नहीं आएगी जो यहाँ पर आके मिली हमें। रास्ते भर की थकान ख़त्म हो गई। अगर हमारे पास वक्त होता तो इस पीपल की छांव में कुछ वक्त हम बिताते। यहाँ पर भी शंकर भगवान है, नंदी जी हैं। बहुत हरा भरा वातावरण है, भक्ति भाव से परिपूर्ण। ये कुआ है और उम्मीद कर सकते हैं कि काफी पुराना रहा होगा, क्योंकि 12 साल पूर्व जो है तो कुआं है जिसको ढक दिया गया है। अभी भी इसमें पाइप वगैरह है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से पानी निकलता है, पानी पर्याप्त मात्रा में यहाँ है, ऊपर से पानी दिखाई देता है। अब ये बाहर जाने का रास्ता है, एक बगीचा भी है, हरी भरी घास है, काफी साफ सुथरा, फब्बारे भी लगे हुए हैं, साफ सुथरी जगह है, अच्छे से मेंटेन किया गया है, सफाई का काफी भरपूर प्रयास, सफाई का काफी ख्याल रखा गया है। चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे वातावरण की बात हो, संगीतमय पूरा का पूरा वातावरण हमने अंदर देखा। शहर के बीचों बीच जब ऐसा शांत माहौल मिलता है तो हृदय अत्यंत खुश हो जाता है। रास्ते में हम ढूंढ रहे थे कुछ ऐसी चीजें मिले जो मन को, मन और तन में जो थकान है रास्ते की वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पे प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था की गई है। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं ये प्रसाद मिला हुआ है। अनुपम लो, तुम काफी मात्रा में आप दे दिए, ले जाओ बाहर थोड़ा सा। अच्छा, बच्चों को भी देना जरूर, धाम का जरूर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और ये हम आ चुके हैं बाहर, यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः पधारें। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर पुनः आना चाहेंगे। मुख्य पुजारी जी तो हमसे नहीं मिले, इसलिए इस मंदिर के बारे में हम अच्छे से आपको बता नहीं पाए, जिसके लिए हमें खेद है। कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठी करें और आपको, आप तक वो जानकारी पहुँचाएँ।